जी आई एम होपफुल कि आप लोग वापस आ गए होंगे तो अगर नहीं आए तो प्लीज़ आ जाएं वापस अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इट्स बेटर कि हम टाइम के ऊपर ही फिनिश करें चीज़ों को इनको ज़्यादा डिले ना करें <coughs> जनाब तो अब स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे बाकी पांच सर्च इंजन है उनके बारे में बात करते हैं मैं डायरेक्टली गूगल क्रोम के ऊपर ही मूव करूंगा ताकि हम वहीं पे बैठ के सारा काम करें और मैं आपको नाम लिखवा हूं राइट लेट्स डू इट अगला जो टूल है हमारा उसका नाम है इन साइट फुल इन साइट फुल डॉट एक्स वाई जी और ये काम नहीं करता ठीक है ये टूल गूगल क्रोम पे काम नहीं करता इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी लिमिटेशन ऑन योर गूगल क्रोम और एक और टूल है जिसका नाम है आई ये भी आपके गूगल क्रोम पे डायरेक्टली काम नहीं करता बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री डोंट सपोर्ट दिस टू ठीक है तो इस तरह के टूल्स को सीखने के लिए आपको एक ब्राउजर करना पड़ता है इंस्टॉल जिसका नाम है ओपेरा ब्राउजर ओपेरा ब्राउजर ओपरा ब्राउजर क्या करता है ऐसे जो टूल्स होते हैं उनको प्रॉक्सी के थ्रू यूज करवाना या वीपीएन के थ्रू यूज करने की हेल्प करता है बाय द वे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप प्रॉक्सीज वैसे ही यूज कर रहे होते हैं तो ओपरा ब्राउजर जो है ये हमें ऐसे टूल्स को यूज करने के लिए ईजी चीजें बना देता है ठीक है मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करता हूँ कि ओपेरा ब्राउजर के ऊपर ये कैसे काम करता है यहां पे आप चेक करें आपके पास जब आप ओपेरा ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वीपीएन आ जाता है तो ये वीपीएन अभी मेरा अमेरिका में कनेक्टेड है ठीक है तो ये वीपीएन के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं आप कोई भी और वीपीएन अपने पीसी में भी इंस्टॉल करके अगर उसके थ्रू करेंगे स्टिल इट विल बी वर्किंग फाइन लेकिन मेरे लिए ये वीपीएन जर्मनी में जो है ओपरा ब्राउजर के थ्रू अच्छा काम कर रहा है तो वीपीएन एक्सेस आपको चाहिए होगी देन यू कैन यूज दिस इन ठीक है इनसाइटफुल क्या करता है ये एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से पेपर का टाइटल बाकी चीजें वे exactly जैसे हमने पहले काम किया था तो मैं यहाँ पे पेपर का टाइटल देता हूं। uh, sorry, ये दिस वन या आप कोई भी डी टाइटल देंगे तो वो आपको इन साइटफुल इस तरीके से आपको पेपर्स निकाल के दे देगा अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ डेटा साइंस इन एग्री कल्चर मैंने जैसे ये लिखा ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स आना स्टार्ट हो गए ठीक है अब इसकी ब्यूटी ये है मल्टीपल पेपर्स को आप डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं अगर आप व्यू ग्राफ पे क्लिक करें यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विद दिस सेम पेपर कि किसने सबमिट करवाया कैसे आया एंड देन यू कैन फाइंड सम कनेक्टेड पेपर्स रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक पेपर तो ये आपके पास नोड का ग्राफ बन जाता है इनसाइटफुल के थ्रू यानी कि उस पेपर से कनेक्टेड पेपर जितने हैं या उसके रिलेटेड पेपर जितने हैं वो सारे के सारे के पे आ जाएंगे समझ आई बात की तो ये आपके सामने फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है इसके साथ दूसरा पेपर इससे रिलेटेड ये है फिर तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा ये ये टोटल पेपर्स का ऐसे ग्राफ बन जाता है आप इनको बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी व्यू कर सकते सो आपके पेपर जो कनेक्टेड होते हैं रिलेटेड पेपर आप इस तरीके से चेक कर लेते हैं ठीक है अब ये इस तरह के तीन टूल्स अवेलेबल हैं पहला इनसाइटफुल है जो मैंने अभी आपको दिखाया इससे आप क्या कर सकते हैं कनेक्टेड पेपर्स निकाल सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं बेस्ड ऑन वन पेपर फॉर एग्जांपल ये मेरा 2017 का पेपर था इससे रिलेटेड मैंने ग्राफ बनाया अगर मैं इससे रिलेटेड ग्राफ बनाऊ तो स्टार्ट ग्राफ होगा उस स्पेसिफिक पेपर से फिर आगे मूव करेगा और जितने उससे रिलेटेड पेपर हैं वो सारे के सारे नीचे नजर आ जाएंगे आपको सिमिलर पेपर की बेस में लाइक like दिस अगर आप ये वाला पेपर ऐड करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा सो यू कैन मेक अ काइंड ऑफ सिमिलर पेपर ग्राफ्स इन साइड दिस वन और यही नहीं यहाँ पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर भी आ रहे हैं रिव्यू पेपर भी आ रहे हैं और बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस पेपर्स रिसेंट पेपर बाई टॉप हंड्रेड ऑथर्स ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आ रही है इन के अंदर यानी कि हंड्रेड जो टॉप ऑथर हैं उनके लिखे हुए पेपर फिर आप नीचे जाएंगे आपके पास इंस्टीट्यूशन के नाम आएंगे कि ऑर्गान यूनिवर्सिटी में कितने हैं फ्लाइन यूनिवर्सिटी में कितने टॉप ऑथर्स कितने एंड देन आपके पास टॉप जर्नल्स के पेपर आएंगे एंड दिस की इज टू टेल यू कि आपने अपने पेपर का जर्नल सेलेक्ट कैसे करना है आप इनसाइटफुल को यूज करके आप यहां से देख सकते हैं कि किस जर्नल में मेरे मेरे रिलेटेड पेपर गए हैं और आपको मैं एक और बात बताऊं आप यहां पे क्लिक करने के बाद इसकी एसक्यूएल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ यू नो अगर आप डेटा साइंस को थोड़ा बहुत जानते हैं तो इन साइट फुल के लिए आपको बाकायदा वीपीएन जो है उसे चलाना पड़ता है और इसकी तरफ वापिस हम दोबारा आते हैं जस्ट एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा दैट इज टूल स्क्रीन नजर आ रही मेरी आपको ये वाली ओके okay. तो एक और टूल है जिसका नाम है रिसर्च रैबिट ये भी वैसा ही टूल है जैसे इनसाइटफुल है बट इट वर्क्स इन अ नाइस वे इसके लिए आपको साइन अप होना पड़ता है तो मैं यहां पे लॉग इन करता हूं जैसे मैंने लॉग इन किया तो इस तरीके से आप एक पेपर यहां पे डालते हैं और उससे रिलेटेड आपके पेपर आना स्टार्ट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपको पूरा लेआउट नजर आएगा जैसे आप साइनअप करेंगे आप यहाँ पे पेपर ऐड करेंगे कोई भी पेपर ऐड कर दें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा पेपर का टाइटल है मैं इसको उठाता हूँ सर्च ऑल सब्जेक्ट में ये आ गया ऐड टू कलेक्शन करेंगे आप इसे करने के बाद ये पेपर यहां पे आ गया अब इस पेपर पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपका ये पेपर सिलेक्टेड हो गया देन क्लिक ऑन दिस पेपर ये पेपर यहाँ से ओपन भी हो सकता है एंड देन यू कैन ऑल्सो सी दर्स एंड अदर पेपर रिलेटेड टू दीज ऑथर्स तो आहिस्ता 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 इस तरीके से जब आप पेपर डालते जाएंगे वन सिलेक्टेड पेपर उससे रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी कलेक्शन बनती जाएगी यूजली ये होता है जब आप कोई नया पेपर डालते हैं उससे रिलेटेड कनेक्टेड पेपर आपको नहीं नजर आते तो यू कैन ट्राई विद डिफरेंट पेपर्स एज वेल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गूगल स्कॉलर पर जाता हूँ गूगल स्कॉलर और हमारा एक रिव्यू आर्टिकल है मैं उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ जस्ट टू शो यू कि ये कैसे काम करता है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन मैंने यहाँ पे ऐड पेपर में जाके इसे पेस्ट किया सर्च किया ऐड किया कलेक्शन में इसको मैं रिमूव कर देता हूँ This paper is there. जैसे मैंने उस पेपर पे क्लिक किया है अब उस पेपर से रिलेटेड पे kind of well. तो ये जितना इस पेपर के पास कोई चीज है वो उतना रिलेटेड आर्टिकल है यानी कि ये मेरा पेपर है फॉर एग्जाम्पल तो इससे जितना कोई पास है ना आर्टिकल वो इससे उतना करीबी होगा इन द केस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजीज़ जो मैंने उसके अंदर यूज की है, जो मैंने उस के अंदर लिखा है बाकी जो है इसके आसपास होंगे far, वो थोड़े से दूर होंगे आगे भी सिमिलर हैं सो so ये मतलब तो खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस आप क्लिक करते जाए सिमिलर आर्टिकल्स निकालते जाए लुक तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बेस्ट सिमिलर आर्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं दिस इज वेरी हेल्पफुल वेन यूर राइटिंग रिसर्च आर्टिकल राइट जी तो ये था हमारे पास रिसर्च रेबिट देर इज एन अदर टूल कॉल्ड रिसर्च लाइफ रिसर्चर लाइफ सॉरी रिसर्चर डॉट लाइफ ये टूल जो है ये बेसिकली फ्री uh, है इसके लिए भी आपको साइन अप करना पड़ेगा एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल विद इन डिफरेंट सोल्यूशंस और ये रिसर्चर डॉट लाइव पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे इस टूल को यूज करते हुए लिटरेचर रिकमेंडर देर आर मेनी बेनिफिट लाइक आप राइट भी कर सकते हैं यहीं पे ठीक है फिर आप रीड भी कर सकते हैं साइट भी कर सकते हैं इन साइट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं एंड आप अलिस्ट्रेट भी कर सकते हैं प्रमोट भी कर सकते हैं यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एक्साम्पल राइट एंड पब्लिश पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्टेज आ जाती है कि आप किस स्टेज पे हैं एंड देन यू प्ले लाइक फॉर एग्जाम्पल आप स्टेज कंफर्म करते हैं यहाँ पे आर्टिकल लिखे uh, मैं यहीं पे आर्टिकल का एक लिंक देता हूं दीज आर द प्रोजेक्ट्स जस्ट मिनट स्टार्ट में जाके दिस इज जनरल फाइंडर लिटरेचर रिकमाडर तो यहाँ पे आप लिटरेचर रिकमाइंडर पर जाएंगे ये असल में आपने खुद बनाने होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स ठीक है इसमें आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना के वहाँ पे सेव कर सकते हैं चीज़ें लिटरेचर रिकमाइंडर में जाके आप इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर क्लिक करें सो हेयर इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर द रीडिंग टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट गेट एक्सट्रेच योर पर्सनइज एंड ऑल दी अदर थिंग्स यहाँ पे आप टॉपिक सर्च करते हैं डेटा साइंस एंटर ये आपके पास इस तरीके से पेपर आ जाते हैं एंड इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न बाय द वे ये वाला जो आर्टिकल है ये वाला जो वेबसाइट है रिसर्चर डॉट लाइफ एंड यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट तो इसके लिए प्रॉपरली हमको एक वर्कशॉप अरेंज करनी हुई तो फ्यूचर में कर लेंगे बट फॉर नाउ इफ़ यू गो टू दिस वेबसाइट यू कैन हैव अ लुक इन्होंने स्टार्ट में सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स कौन सी हैं इनकी और कुछ असेंशियल पैक अगर आपने लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं देर आर मैनी अदर थिंग्स सो दिस वर्क ऑल्सो एज अ कनेक्टेड पेपर तो अगर आप एग्जैक्टली कनेक्टेड पेपर लिखें सो दैट्स एन अदर वेबसाइट जहां पर जाके आप कनेक्टेड पेपर फाइंड आउट कर सकते हैं और ये भी आपको ग्राफ बिल्ड करके देता है एक पेपर से ये सेम ग्राफ हमें देगा जो हमने रिसर्च रैबिट से बनाया था या हमने इनसाइटफुल से बनाया था लाइक दिस राइट तो आपके रिलेटेड पेपर इससे नजर आ जाते हैं आपको आप उसकी बेस पे लोगों के पेपर्स को चेक करने के बाद आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं सो दीज आर फ्यू थिंग्स कनेक्टेड पेपर एंड यस द लास्ट वन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस एक्चुअली ओपन रीड के नाम से नॉट हियर ओपन रीड ओपन रीड के नाम से एक और है हमारे पास जो सर्च इंजन है आप इसके ऊपर भी उसी तरीके से काम कर सकते हैं ये ए आई बेस्ड ए आई पावर्ड चीज है इसके ऊपर आप जो भी चीज लिखेंगे उसका टाइटल आपके पास ए आई पावर्ड आपके रिलेटेड आर्टिकल्स और काफी इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड सम Sometimes आपको साइनअप करना पड़ता है समटर बिल्ड और डिफरेंट किसम की चीजें जो है वो लेके चलते हैं सो बाई द वे ये फिगर्स आपको साथ साथ देता रहता है इससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म की आर्टिकल्स मैनी कैन एक्सप्लोर दिस वन एज वेल ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे अदर सर्च इंजेस ने काम किया था ये हमारे पास कुछ टूल्स थे जी अभी के लिए अब इससे अगली चीज है जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है वो लिस्ट में आपको प्रोवाइड करता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर अ ब्रेक